हाँ तो दोस्तों, ये हमारे पास आए हैं डिकैथलॉन के बॉक्सिंग ग्लव्स। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है, तो खोलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है मुझे। अब इसका जो शेप है थोड़ा सा इरेगुलर हो गया है, लेकिन हाँ इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी हुई है। चलिए दोस्तों से खोलते हैं। आप अगर मंगाएं तो आपके पास तीन वेरिएशंस में ऑप्शन होंगे, तो एक होता है 799, एक 199 और एक 399। मैंने 199 वाले मंगाए हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग उसकी, पूरी जोर लगानी पड़ रही है इसको खोलने में। मैंने 614 OZ वाले ये बॉक्सिंग ग्लव्स मंगाए थे। देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस, तो इनकी वहाँ पे तो मैंने चेक की तो अच्छी थी। ये देखते हैं कैसे हैं। हाँ अभी दोस्तों, आप हमेशा इन ग्लव्स का यूज़ रैप्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। रैप्स मेरे अभी अंदर रखे हुए हैं, घर में थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है, वरना आप उनका यूज़ ज़रूर कीजिए, वरना आपके रिस्ट में चोट आ सकती है। यहाँ पे इलास्टिक दिए रखी है, जिससे आपके कलाइयों में एकदम अच्छे से फिट हो जाएंगे। अभी आप पतली कलाइयाँ हैं तो आप ये भी। ये देखिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मारने। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लैग के लिए स्ट्रैप को फंसाना पड़ता है अच्छे से। हाँ तो आप देखिए, हाँ तो मैं बहुत अच्छे से फिट आ गया है। इसको पहनने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मारना पड़ेगा, अच्छे से हाथों में आ जाता है, इसलिए यहाँ सही है। फंसाना काफ़ी मुश्किल है इसे। चलिए अभी ऐसे ही हो गया, ये बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी फर्म है, इनमें हाथ में ज़्यादा मूव कर नहीं पा रहा है। ये यहाँ पे इसकी वेबिंग है, जिससे आपका अंगूठा अलग ना हो जाए बॉक्सिंग करते हुए, बहुत अच्छी है। और ये देखिए, ये हमारा है पंचिंग बैग, USZI कंपनी का हमने मंगाया था, बहुत ही अच्छा है। देखिए बहुत ही अच्छे हैं, मज़ा आ गया दोस्तों। सी यू लेटर, पीस आउट।